ये है दिल्ली दर्पण। प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा आप देख सकते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा निकाली जा रही है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, सब नौजवान भी इस यात्रा में मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े समर्थक हैं यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट होकर सभी लोग इस पदयात्राओं में जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा के लिए वोट के अपील कर रहे हैं। पूरी पदयात्रा में हम मौजूद रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कंझावला के लोग किस पार्टी से ज़्यादा संतुष्ट हैं यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या लगता है कंझावला में किसको वोट पड़ेगी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इतना हमें जो दिया है, सुविधा दिया, फ़ायदा मिली है, क्योंकि पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, और क्या हमारे जो सड़कें और जो गली वली जो है सारे बिल्कुल कम्प्लीट बनाए उन्होंने, और क्या है बस ये फायदा है। मतलब ये फायदा आम आदमी पार्टी से हारने के बाद क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी यही जीतेगा? कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्या काम किया है? पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, उसके बाद महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री किया, ये सब सुविधा दिया है। तो सुविधा जिस जो ज़्यादा देगा उसी को लोग देगा वोट। कंझावला गांव में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे हमारे साथ कुछ कंझावला गांव के ही लोग साथ में हैं। भाई साहब, क्यों आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? आम आदमी ने काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। हम लोगों के यहाँ 20-25 साल से काम नहीं हुआ, पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई की सारी सुविधा केजरीवाल ने करी। हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं जी। कितना उन्होंने हॉस्पिटलों में कितना अच्छा काम किया जी, स्कूलों में कितना अच्छा काम किया। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो माँ बाप ताकि जो गरीब थे, अपने बच्चों को बाहर भेजने में भी कभी कभी किराया तक भी नहीं हो पाता था, वो केजरीवाल ने इतना अच्छा काम कर दिया। हमारे बच्चे जो बिना पैसे भी बाहर मतलब जा सकते हैं जी। कंझावला गाँव में इसमें मौजूद हैं, हुक्के पर बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा मौका होता है, राजनीतिक चर्चा काफ़ी होती है हुक्के पर। क्या लगता है भाऊजी, कंझावला में बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी किसमें भविष्य देख रही है? आम आदमी में देख रहे हम तो भाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्या काम किया? क्या काम भाई, हमारे गांव में चौकर देने तक कैमरे लगवा दिए, और क्या नाम है, गलियां बन ली, जो नया इंडस्ट्रियल एरिया और क्या नाम है रेजिडेंशियल एरिया था उसमें सड़कें बनने लग रही हैं, नाले बन रहे हैं, तो इससे मतलब काम तो हुआ ही है। पानी लगातार आ रहा है, बिजली की सबसे बढ़िया चीज जो है, जो है ये पानी बिजली की है, वो बिल्कुल खत्म है। हमारे यहाँ मतलब साउथ से भी अच्छी बिजली है आज के दिन। आम आदमी पार्टी के साथ है, आपको क्या लगता है भाऊ जी? भाई लगे तो ये है भैया, रूलिंग पार्टी जो है ठीक है, ये काम भी ठीक करे है। और भाई जो है हमारे यहाँ तो जो ये समाधान है ये सबसे बढ़िया। कंझावला में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया है? काम तो हमारे यहाँ जो है रोड, पानी के, बिजली के, ये ज़्यादा आम आदमी को तो ये चाहिए। ये कैमरे वगैरह ये तो खैर एक वैसे भाई न्यू है कि भाई गफलतबाजी का आदमी अंदर ना घुसे, लेकिन काम तो ये भी है। और ये जो छोटे मोटे काम है उनको गिनना ना गिनना वो थोड़ा ठीक नहीं है। आम पार्टी का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के काम से खुश है, खुश है की जनता खुश है? हाँ, अभी तो जनता कहीं तक नहीं कह सकते, पर लेकिन काम तो हुए हैं। नहीं खुश है मतलब ऐसी बात नहीं है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बसों की सुविधा बहुत है यहाँ, बस थोड़ी कमी है तो जो हमारे तालाब वगैरह जो बाकी पड़े हैं, कुछ गलियाँ रह गई हैं वो है, बाकी बहुत सारा काम हुआ भी है, बहुत सारा काम हुआ है, पानी का, बिजली का, ये सभी जो ना काम अच्छे किए हैं। किसको देख? आम आदमी पार्टी ज़्यादा लेगी, पार्टी तो सारी है यहाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़्यादा लेगी क्योंकि काम ठीक है।
काम से संतुष्ट आप? काम सारा बीजेपी भी कह रही है कि बीजेपी कह रही है लाइट है, ठीक है, जैसे तालाब का है, तालाब का भी सैंक्शन करवा रखा था, काम चल रहा है, रोक रखा है बाकी किस हिसाब से। बीजेपी कह रही है कि अगर उनको मौका मिलता तो 5 गुना चीजें वो भी सहूलियत देंगी। नहीं, मौका उसको मिला नहीं, अब ये सेंटर से लगा लो, मौका मिलता आ रहा, क्या कर रहे हैं आप आदमी, गरीब आदमी के लिए क्या कर रही है अपना ये बीजेपी, क्या कर रही है भाई? देश तो ठीक है, देश के लिए बना दिया, सब एक पब्लिक का आया था भाई, देश का नेता वो तो बना दिया, ठीक है, लेकिन दिल्ली का नेता केजरीवाल ऐसा है, ये सब जुमले हैं, ये जो बात कह रहे हैं ये जुमला है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो वादे किए थे पर बाद में इन्होंने कह दिया कि ये तो जुमला था। कंझावला में हमने देखा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल लाखड़ा ने जनसंपर्क किया, पदयात्रा निकाली, काफ़ी संख्या यहाँ पर मौजूद रही। कंझावला पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, हुक्के पे बातचीत की कि कंझावला की जनता क्या राय रखती है। ज़्यादातर राय लोगों की यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के काम से दिल्ली में जो काम किए गए हैं उससे ज़्यादा संतुष्ट है, इसलिए आम आदमी पार्टी को ही दोबारा मौका यहाँ से दिया जाएगा। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी, कैमरामैन विजय कुमार के साथ प्रनीत गुप्ता।